ईशन नदी में पानी छोड़े जाने को लेकर दिया ज्ञापन। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में ईशन नदी में पानी को छोड़ने के लिए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने बताया, इस समय बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है, जीव जंतुओं को पानी की बहुत आवश्यकता है, किसानों की फसलें पानी के अभाव में सूख रही है, ईशन नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी है, इसलिए ज्ञापन दिया गया है। यह सरकार सिर्फ बातें बना रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लोगों को फंसा के उनका ध्यान बांट रही है। असल मुद्दों पे ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अपनी खामियों को छिपाने के लिए फिर तमाम तरीके के धार्मिक प्रोपेगेंडा छोड़े जा रहे हैं। हम आज समस्या लेके आए हैं, ईशन नदी पूरे जनपद को कवर करती है, नदी में एक बूंद पानी नहीं, किसान तो परेशान है, उसके आसपास जीव जंतु इस भयंकर गर्मी में प्यास से मर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ सरकार पर्यावरण की बात, संरक्षण की बात करती है, दूसरी तरफ उसे ये नहीं पता है कि जिन नहरों में नदियों में पानी चलता था, पानी नहीं है, कैसे जीव जंतु, जब जीव जंतु नहीं जिंदा बचेंगे तो पर्यावरण की कैसे, पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। आज बताते हैं जून में, आज जून में तो पानी है, बरस जाएगा, पानी की आज जरूरत है, और जब पानी छोड़ते हैं तो एकदम पानी छोड़ देते हैं, सारा पानी बह के निकल जाता है। हमारा अनुरोध है कि धीमे धीमे पानी छोड़ा जाए, किसानों को नहीं मिल पा रहा है, किसानों के सामने विकल्प है, ट्यूबवेल से चला लेंगे, इंजन से चला लेंगे, लेकिन जीव जंतु कहाँ जाएं, पशु पक्षी कहाँ जाएं पानी पीने के लिए। आज एक्सियन महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, अगर 25 तारीख तक नदी में पानी नहीं आता है तो वही तिरवा तहसील में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे पर्यावरण बचाने के लिए। श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त समस्याओं को देखते हुए इस नदी में तुरंत पानी छोड़ा जाए, जिससे हजारों पशु पक्षियों की जान बचाई जा सके और आम जनमानस को राहत मिल सके। ऐसा न होने पर 25 मई के बाद हम समाजवादी लोग जनता के हित की लड़ाई सड़कों पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर अमित मिश्रा, योगेंद्र यादव, प्रवीण दुबे, सत्येंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट।